गुहला चीका से जेजेपी के विधायक ईश्वर सिंह की पहल पर हरियाणा सरकार ने राज्य के गांवों के जोहड़ों की दशा को सुधारने का निर्णय लिया है। निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गांव का गंदा पानी इन जोहड़ों में जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने यह मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक में उठाया था। ईश्वर सिंह ने बताया कि सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे हरियाणा के गांवों में गंदे पानी की निकासी की पुख्ता व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा गुहला चीका के 9 गांवों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्कीम के तहत 15-15 लाख रुपए की राशि भी मंजूर की गई है। आइए जरा गुहला चीका के विधायक ईश्वर सिंह की बाइट सुनते हैं। जोहड़ है और हर जोहड़ के अंदर पानी, सीवरेज का पानी, नाली का पानी, गंदा पानी, जो भी हम साबुन का जो है ना पानी, सारा उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा है और वो पानी इतना दूषित हो गया है कि वो जहरीला हो गया। उसके अंदर काई जम गई, बदबू आ गई, कीड़े पड़ गए और ऐसी दशा के अंदर जो बीमारी का घर बन गया वो। तो मैंने, मेरी अपनी परख है, जब मैं गांव में जाता हूँ तो मैंने इस बात को एहसास किया कि इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मैंने इसलिए ये मुद्दा, जैसे आपने मुझे कहा, मुद्दा उठाया है ये कि जोहड़ जो आसपास के बड़े बड़े गांव हैं, निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, उसकी निकासी के लिए क्या सरकार इंतजाम कर रही है या करेगी, और महामारी फैलने का खतरा हो गया हर गांव के अंदर। पंचायतों के पास कोई ऐसा समाधान नहीं है कि पानी का निकासी का जो है ना इंतजाम किया जाए। तो सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बाद मान्यता दी है कि वाक्य जो है ना ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इसको हम जल्द ही ठीक कराएंगे, निकासी के पानी की निकासी का हम इंतजाम करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा सरकार के कामकाज के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।